हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वॉल। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, जैमिनी मिथुन राशि का जून मंथ का प्रेडिक्शंस है। लव रिलेशनशिप एंड करियर बोथ का देख रही हूँ, मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा जून मंथ आपका। और इनकेस कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसे आंसर्स बहुत सारे आएंगे और आप उसको उस पर वर्क करना ज़रूर होगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, सब पॉजिटिव रहना है सबको, और रहते भी हो ये बहुत खुशी की बात है। और ये जान लेना, जो आपको ईजिली मिल रहा है गॉड की इच्छा है, जो नहीं मिल रहा है वो गॉड की इच्छा है उसमें भी, ठीक है। और वो वही करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। चाहे आप वो करियर में हो, या मैरिड लाइफ में हो, या बिजनेस लाइफ में हो, या लव लाइफ में हो, कहीं भी। चलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और होप रखें, ज़रूर पूरा होता है हर एक चीज़। फर्स्ट कार्ड आया है सर्विस का। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा भी हेल्प करें किसी का, ठीक है। हो सकता है किसी के फैमिली में भी कुछ ऐसा हो, बड़े बुज़ुर्ग हों या उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही हो, तो आप लोग उनका हेल्प कर रहे हो, केयर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और दूसरा ही कार्ड आया है डिस्पोंडेंस का, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन अभी है, जो ऐसा सरकमस्टांसेस आपके आसपास है जो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो फिलहाल अभी आप, तो वो हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, हो गया जो होना था, ठीक है। कुछ और देखो, सर्विस के नीचे आया है बिटर स्वीट, यानी कुछ ना कुछ जो कड़वा सच्चाई है वो चीज़ जान जाओगे अभी आप, ठीक है। बिल्कुल जैमनी, आपके लाइफ में कुछ कड़वा सच है, जो सत्य है वो सामने आने वाला है। आपने बहुत दिन से अपने आप को आइसोलेट कर रखा है ऐसा लग रहा है, तो और आपके लिए इनलाइटमेंट भी आ रही है, और कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर जो खाया जा रहा था आपका, तो वो चीज़ जो है ना अब ठीक हो रहा है आपका, ठीक है। और एक चीज़ और है, किसी कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास या कोई भी कुछ तो ऐसा है जिससे जो कहते हैं ना दो चेहरे वाले, कि सामने कुछ और जो और पीठ पीछे कुछ हो, या कहते हैं ना कि हाथी के दांत, दिखाने वाले कुछ खाने वाले कुछ, तो ऐसा कोई इंसान है आपके पास और उसके साथ आपकी गॉसिप बहुत हो रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि वो ऐसा, ये इंसान तो ऐसा है, चाहे वो कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। और उस चीज़ से थोड़ा सा समझदारी से आपको कड़वा सच जो जब पता चलेगा, तो आप लोग ना खुद को आइसोलेट हो, यानी आपके दिमाग के ना जो कहते हैं ना फलूदा होना, वो चीज़ होने वाला है। ऐसा लगेगा आपको कि माय गॉड, ऐसे मैंने, मैं इसके बारे में ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोच रही थी, और ऐसा इंसान निकला, ऐसा हो सकता है कि हो। लेकिन फिर आप जानते हो क्या होगा आपके साथ, फिर आप एक नया शुरुआत करेंगे और आप खुद को इतना इंजॉय करोगे अपने लाइफ को, कि जॉय का है, बहुत इंजॉय करोगे। आपको ये फील होगा कि बहुत अच्छा हुआ जो उसके साथ मेरा, यानी कि ऐसे मैं उसको समझ गया, समझ गई इंसान कैसा था नहीं था, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग हो रही है आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपको फिर, लेकिन आप भी ना उस चीज़ को जैसे ही समझोगे ना, तो आप भी साइड चुपके से निकल जाओगे उस चीज़ रिश्ते से, या फिर कहीं भी कुछ ऐसा है तो आपको खुद फील होने लगेगा कि वाह, मैंने गॉड ने मुझे बचा लिया, यही फील करोगे आप, ठीक है। यही समझ लें कि सारे कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो भी था परेशानी अब वो ख़त्म हो रहा है, ये समझ लेना। कहते हैं ना हमेशा, मैं कहती हूँ गॉड ना बहुत कुछ सोच के रखते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और बाद में आप सोचते हैं मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहुत कुछ आप यानी परेशान हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, फील कर रहे थे आप, ऐसा लग रहा है मुझे। और तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी ऐसा सोच रहे थे, ठीक है, परेशानी तो हो रही, जो चाह रहे थे वही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगी, क्योंकि दिल के बहुत सच्चे इंसान हो आप, ये जान ले जैमनी, और बहुत मेहनती भी हो। और हो सकता है आपका घर में, फैमिली में ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बहुत एज वाले हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और थोड़ा सा आप लोग ज़िद्दीपना से बाहर निकलें, ऐसा लग रहा है बहुत ज़िद्दी हो जैमनी आप, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करें अपना। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कार्ड्स देख के भी, आइसोलेट तो हुए हो आप, हर्मिट का भी, क्योंकि मेजर कार्ड भी आया है सही, कि आइसोलेट हुए हो खुद को, और खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती करी थी, मैंने क्यों ऐसा। आप अपने आप से ही पूछ रहे, अपने गॉड से पूछ रहे, बहुत जगह तो हैंग्ड हैं आप, तो जहाँ हैंग्ड हैं, तो ये यानी कि हैंग्ड होने का मतलब है कि अब आप ना खुद को, स्पिरिट जो कह रहे हैं ना, वो आपको बहुत कुछ समझा रहा, समय जो सिखा दिया वो सीख गए हो आप, और थोड़ा सा ज़िद्दीपना जो है उसको कम कर लें, रास्ता तो बहुत कुछ एक खुलने वाला है, गॉड ही आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ का हो, करियर लाइफ का हो, ऐसा जो भी हो रहा है,
ठीक है। पास्ट में कहीं कुछ दुखी तो बहुत है, दुखी हो आप ऐसा लग रहा है, इसी वजह से खुद को आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। कड़वा सत्य जो आपको पता चला है, मुझे लग रहा है पता चल भी चुका है बहुतों को, जैमनी आपको कड़वा सत्य जो कहते हैं ना वो पता चल चुका है आपको। तो चलिए देखते हैं एंजल क्या कह रहे हैं अब आपके लिए। एंजल कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर कहीं किसी की तबीयत आपके घर में या फैमिली में या आपके किसी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। और सबसे खुशी की बात है कि आप ये चीज़ जान लें कि आपके हाथ में बहुत कुछ है, ऐसा कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है जो आप सोच रहे हो ना कैसे होगा, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। आइसोलेट जो हुए हो ना तो खुद को समझ चुके हो, खुद हर्मिट का कार्ड आया इससे आप खुद को जान चुके हो, ठीक है। आपकी तरफ जस्टिस है ये समझ लें, यस का कार्ड आया है यानी हर चीज़ के लिए आप तैयार हो रहे हो और परफेक्शन आ गया आपके लाइफ में, ठीक है। समथिंग बेटर ही होने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। अबेंडेंस आ रही है, पहले तो रिकवरी होगी देन अबेंडेंस आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा जिद्दीपना जो है ना उसको थोड़ा सा कम कर लें और बिल्कुल आपके लिए जो कहते हैं ना लास्ट जो 5 मंथ से, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 5 मंथ से कुछ ज़्यादा ही आप परेशान हो रहे थे तो अब उस चीज़ को ख़त्म कर दें। लास्ट किसी किसी के लिए 7 मंथ्स भी है और मुझे लेकिन लग रहा है कि अब जो है जून मंथ से खुद को जान जाओगे जैमनी और बहुत कुछ चेंज होगा आपका, ठीक है। और थोड़ा सा अपने और मैच्योर हो रहे हो, सबसे बड़ी बात है मैच्योर हो रहे हो यानी समय ने आपको सिखा दिया, बस ये समझ लें। और जून मंथ से आप करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, मैं मैरिड लाइफ में मोस्टली को मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ठीक होते हैं आप ज़रूर कर लें, ठीक है। और बिल्कुल यस का कार्ड आया है तो इसलिए आप जान लें जैमनी कि आप जो चाह रहे हो ना बस आप वर्क कर लें, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स आया इसलिए मैं कह रही हूँ वर्क कर लें आप। और उसका 9 ऑफ कप्स है तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आने वाले टाइम, क्योंकि मेहनत ही बहुत हो आप, मेहनत ही आपकी रंग लाने वाली। क्वीन ऑफ कप्स है तो हर चीज़ यानी डाउन टू अर्थ भी इंसान हो। और पेज ऑफ कप्स आ रहा है यानी कि रिश्ते में अगर कहीं कुछ ऐसा था तो ऑफ़र आएंगे आपको। और बैलेंस में आपकी मैरिड लाइफ अगर कुछ है या कहीं भी लव लाइफ में कुछ ऐसा था तो बैलेंस में आएगा। और रिन्यूअल के नीचे ही जॉय का कार्ड आया था तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि नया जोपन जो आएगा उसको एक्सेप्ट जरूर कर लें आप और आपके लाइफ में इंजॉयमेंट है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो। फ्रेंड्स थैंक यू।